आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल AKR टेक्निकल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजीकृत संपत्ति कैसे खोजें या पंजीकृत संपत्ति दस्तावेज की नकल कैसे देखें। इसके लिए दोस्तों आपको Google पर चलना होता है और Google पर जाकर टाइप करना है IGRSUP और इसका होम पेज आ गया है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर ऐसे ही होम पेज है इसका और यहाँ पर स्वागत का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से एंटर कर लेना है इसको और एंटर करने के बाद आपके सामने एक ऐसा पेज शो होता है जहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है संपत्ति खोजे का, ये वाला ऑप्शन, इस पर हमें क्लिक कर देना है। संपत्ति खोजे आप देखेंगे ऐसा पेज आ जाता है और संपत्ति खोजे ये हैं दोस्तों, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, यानी कि आप संपत्ति किस किस तरह से खोज सकते हैं। जैसे कि पहला है संपत्ति का पता 5 दिसंबर 2017 से पूर्व पंजीकृत विलेखों के विवरण। संपत्ति का पता 5 दिसंबर 2017 व उसके बाद पंजीकृत विलेखों के विवरण, पंजीकरण संख्या एवं पंजीकरण दिनांक या पंजीकरण वर्ष से, या क्रेता के नाम 5 दिसंबर 2017 से पूर्व पंजीकृत विलेखों के विवरण, या विक्रेता का नाम 5 दिसंबर 2017 से पूर्व विलेखों के विवरण, या क्रेता का नाम 5 दिसंबर 2017 व उसके बाद पंजीकृत विलेखों के विवरण, या विक्रेता का नाम 5 दिसंबर 2017 व उसके बाद पंजीकृत विलेखों के विवरण। इस तरह से इनमें से जिस भी ऑप्शन से आप अपनी संपत्ति खोजना चाहते हैं उस पर हमें क्लिक कर दें। जैसे मैंने कि संपत्ति का पता 5 दिसंबर 2017 उसके बाद पंजीकृत विलेखों के विवरण पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का पेश होता है, संपत्ति का पता 5 दिसंबर 2017 व उसके बाद पंजीकृत विलेखों का विवरण। यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलता है जनपद का, जहाँ पर आपकी संपत्ति है उसका जनपद यानी कि जिला आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद संपत्ति का पता, यहाँ पर भी आपका मकान, दुकान, खसरा इत्यादि है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो मकान भी हो सकता है आपका, दुकान भी या खसरा इत्यादि जो भी है उसका जो पूरा पता है वो आपको सामने वाले कॉलम में फिल कर देना है। चलिए मैं फिल कर देता हूँ। दोस्तों उदाहरण स्वरूप जिससे मैंने ये पता भर दिया है, इसी तरह से आपको जहाँ पर आपकी संपत्ति है उसका भी आपको पता भरना है, जैसे ग्राम भी, परगना भी, तहसील भी और ज़िला भी, ये सब आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद तहसील उपनिबंधक कार्यालय कौन सा है वो सेलेक्ट करना है, फिर मोहल्ला, गांव कौन सा है यानी कि जहाँ की संपत्ति है वो यहाँ पर भी आपको सेलेक्ट करना है, तो हमने कर लिया। और उसके बाद वर्ष यानी कि बैनामा या जो आपकी पंजीकरण है संपत्ति का वो कब हुआ था उसका वर्ष आपको यहाँ भर देना है और उसके नीचे ये कैप्चा शो हो रहा है इसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और फिर इसके बाद विवरण देखे पर क्लिक करना है। दोस्तों एक बार विवरण देखे पर क्लिक करने पर आपको कुछ नहीं होगा, आपको दोबारा क्लिक करना पड़ेगा और दोबारा क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज शो होगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा है संपत्ति पंजीकरण अनुक्रमणिका पंजिका और पहला है पंजीकरण वर्ष, फिर पंजीकरण संख्या, फिर पक्षकार का नाम, फिर पक्षकार का पता, फिर संपत्ति का विवरण, खसरा, मकान, घाटा संख्या, पंजीकरण तिथि, लेख पत्र का विवरण, पूर्ण विवरण देखें या स्कैन लेख पत्र देखें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे इनका विवरण है, जो भी आपका सही विवरण है आप इसको चेक कर लें, ऐसे जो भी है आपका नाम, पता वगैरह, संपत्ति सही है नहीं है वो देख लेना है, खसरा नंबर वगैरह सब कुछ सही है, तो जो सभी आपका मैच कर रहा है उसके सामने वाले जो पूर्ण विवरण देखना है तो पूर्ण विवरण पर क्लिक करना और स्कैन कॉपी देखनी है तो आपको स्कैन करना है। जैसे पूर्ण विवरण पर हमने क्लिक करा तो दोस्तों ये ऐसे संपत्ति का विवरण आ गया है कि संपत्ति कहाँ है, कैसे है। और अगर आप स्कैन कॉपी पर क्लिक करते हैं तो जो आपकी पंजीकृत संपत्ति का दस्तावेज है वो आपके सामने शो हो जाता है। देखिए दोस्तों इस प्रकार से आपके सामने संपत्ति पंजीकरण का दस्तावेज आपके सामने शो हो जाता है। कोई एग्रीमेंट है, बैनामा है या कोई दान पत्र है या फिर कोई और संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज है वो आपके सामने यहाँ पर शो हो जाता है। इस प्रकार आप अपनी संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज की नकल देख सकते हैं, उसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए।